हाय फ्रेंड्स, मुझे जोशना, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति जोशना। तो फ्रेंड्स, आज रो वीडियो रे आमे कथा बा पिंपल्स उपरे, बिकॉज़ बहुत जन को कोन हुए फेस रे पुरोना रो पुरोना ब्लैक स्पॉट्स रह जाए, पिंपल्स रह जाए। पिंपल्स हे जीबा पोर आपन को फेस रे पिगमेंटेशन मध्ये बहुत जन को पड़ जाए। पिगमेंटेशन माने सेटा गोटे ब्लैक रंग रो स्पॉट भले आपन को फेस रे पड़ जाए। तो ताप आपण मैंने बहुत सारा मार्केट रो मेडिकेटेड क्रीम मध्ये यूज कर परबे, बट जियो मानो को मेडिकेटेड क्रीम लगेबा डर लगे। माने एक्चुअली मते बहुत डर लगे, काहे कि ना स्किन रे आमे जते बेले अप्लाई करू सेते बेले ता रिजल्ट देखे थाए, बट किछि देर पोरे पूनी सेम कंडीशन ही थाए। माने सीधा तो आमो फेस रो ब्लैक स्पॉट माने बाहर कर दिए, बट किछि दिन पर आपण मे से क्रीम लगेबा छाड़ी दियंती, तापर आपण मन कोन देखिबे पूनी सेम आमो फेस से ब्लैक स्पॉट गुडा को पिगमेंटेशन गुडा पूनी स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम मो सहित बहुत थर होती, आपण मैंने भी एमती फिल करती। तो आज होम रेमेडी ट्राए करूँ, आपण मैंने समस्त जानते होम रेमेडी नेचुरल जिनस अटे, आईटा कौन ना लंग आपण मैंने बनईकी बहुत दिन स्टोर करेंगे, और जिते बड़े भी इच्छा आपण मैंने बनईकी यूज करेंगे, बिकज सेटा बहुत मैंने सस्ता हुए आ मेडिकेटेड क्रीम गुड़ा बहुत कॉस्टली आसे, जहाँकि समस्त पाखे एफोर्डेबल न था। बट जदि आप फेस रे बहुत सारा ब्लैक स्पॉट पिगमेंटेशन अच्छी, तो मत बहुत गुट सब्सक्राइबर अच्छे बहुत दिन रिक्वेस्ट करते कि मैम मो फेस रे बहुत सारा ब्लैक स्पॉट अच्छी, फेस बिल्कुल भी गोरा नहीं, बहुत कला देखा जाए। तो आप रेमेडी को ट्राए करूँ, कंटिन्यू ट्राए कर देखिए आप फेस रे, बट पेसेंस रखा पड़ो। मुझ आगु कौचि आपने हड़बड़ हो कहे कि गोटे दिन में मोर ठीक हो, दु दिन में ठीक हो, मुझे डॉक्टर नहीं आप गोटे दिन में सजेस्ट कर दे कि ये गोटे क्रीम लगे दिखुद भले ही जी, एमती ना फ्रेंड्स। मिनिमम आपण वीक ट्राए करेंगे, पेसेंस धरिकी वन विक पर ही आप रिजल्ट देखा पाए। बट आज रेमेडी आपन दिन रिजल्ट पाइबे कि हाँ सीरीयसली किसी गोटे फिल है फेस रे, पिगमेंटेशन ब्लैक स्पॉट टिके कम है। तो जदि आपण मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छे वीडियो देखिया पे, तो चलो तो फटाफट रेमेडी कौन स्टार्ट करने वा, तापर केमती कौन अप्लाई कर अछि कौन एटा मु आसी पूरा डिटेल्स आपण मानको बुझेबी। हेलो फ्रेंड्स, एही रेमेडी बनिया पे हमको सर्वप्रथम जिंस दरकार अछि आलू। तो आलू को धोई के भला हाबे ग्रेट कर नेबा, माने एहा को भला हाबे घंसी नेबा, तापर आलू रो जूस को चिपुड़ी की बाहर कर नेबा। तो ए जो बंची जाइथिबा एटा को आपण माने फिंगीबे नि, एटा को भला हाबे पेस्ट करिके जो फेस रे फेस टेक भलिया मध्ये अप्लाई करि परिबे। तो एबे आमे एही जूस संगे आमु दरकार, तो जूस बाहर कर सारिया पोरे एथिरे आमे ऐड करबा हाफ लेमन। माने जदि आपण मानको स्किन बहुत सेंसिटिव, तो आपण माने टमाटो जूस ऐड करि परबे, एठी मु लेमन जूस ऐड करके मिक्स करनी। तो फ्रेंड्स, ये देखो दुईटी जाक जिनस को भला भाव मिक्स करा गोटे पैक भाया सीरम भाया क्रीम भाया रेडी हो जाए। तो यू केमती कौन अप्लाई करा मुझे देखेबी, आईटार गुडनेस एत भल कि आपने गोटे दिन में ही रिजल्ट बुझीपारे। तो यू आपने कंटिन्यू ट्राए करूँ, निश्चय बुझीपारे रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखो रेमेडी पूरा तैयारी होटा को भल भाव मिक्स करने में जितेबाला आपने अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करवा जो फेस को भल भाव क्लीन रखे। तो मो फेस ये पूरा क्लीन अच्छी, ओनली लिपस्टिक मुझे अप्लाई कर फेस रे, कौन से मेकअप नहीं। तो ये आपने गोटे कटन साज फेस जो जगह आपको पिंपल्स पिगमेंटेशन हो, फेस को पूरा गोरा बनवा को चाहते, तो आपने फुल फेस अप्लाई करेंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं। तो ये मुझे पूरा फेस अप्लाई करज मोर तो पिंपल्स ब्लैक स्पॉट्स नहीं, तो फेस को ग्लोइंग बनाया रेमेडी बहुत ही बढ़िया। यदि आप इंस्टेंट ब्राइटनेस चाहते, जो फेस रे ग्लो चाहते, माने सीटा बहुत दिन पर्यटन स्टे होकर रहू, तो आप रेमेडी को कंटिन्यू ट्राए कर देखिए आप फेस बहुत शीघ्र गोरा हे, आपने बहुत जल्दी गोटे ग्लोइंग माने त्वचा पाइबे। एबे आपण मन देखिले रेमेडी बनेबा, आ रेमेडी मा आपण मनको फेस रे केते बेले कोन अप्लाई करछे एटा मते देखिले। तो रेमेडी बनेबा केते सहज आपण समस्या कोतु, नॉर्मली पोटैटो समस्या घरे अवेलेबल था, आ लेमन मते था। जदि आपण मनको लेमन सूट करनी, सेठी मु आबोड ऑप्शन आपण मन कह देउची, टमाटो जूस को आपण माने ऐड करि परिबे, आ एटा को बने के आपण माने मिनिमम 7 डेज पर्यंत स्टोर को रखि परिबे। ताठो बेसी स्टोर करिबे नि नष्ट हो जाई परे, बट 7 डेज आपण माने आराम से स्टोर करके रखि परिबे, किछि भी प्रॉब्लम नै। आ लगेबार प्रोसीजर मते देखिए गोटे कटन नहीं पूरा फेस रे अप्लाई करके रात पड़े। जदि आपको फेस रे पिगमेंटेशन अच्छी ब्लैक स्पॉट अच्छी, तो आप सब रेमेडी को नाइट क्रीम को छाड़ी जो रेमेडी मुझे बनैली आज देखी आपटा को कंटिन्यू 7 डेज ट्राए करूँ, आ देखिए आप 7 डेज पर रिजल्ट पाए। जो मैंने रिजल्ट पाए मो सारा कमेंट करके निश्चय जाना कि किए किए कौन रिजल्ट पाई, जो मैंने रिजल्ट पाई से आज आपने जनईपरेंगे। तो मुझे आप गोटे किसी नुआ रेमेडी लेकिन आसबी,
ବଟ୍ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଉ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆଜି ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କିଛି ବି ଅଛି 50, 60, 70 ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ 15 ଇୟର୍ସର ଆବଭ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ପୁଅ ଝିଅ ବୋଥ୍ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଗକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଜ୍ୟୋତି ଜୋଶନାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜୋଶ95 ନାଁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି ପୁଣି ମିଶିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।